अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए कहा, प्रजापति, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा ध्यान में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्य ना मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय में अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में विलीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापते। प्रत्येक सर्गियाकल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते ही अंतर ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट गए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। अध्याय 11 व 12। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ, अपने पुत्र हरिश्व और शबाबलश्व को निवृत्ति मार्ग में भेजने के कारण राजा दक्ष का महर्षि नारद को शाप देना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही। प्रभो, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तद अनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रजेश, प्रजापति पंचजन वीरन की जो परम सुंदरी पुत्री आक्षिणी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले, तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। आक्षिणी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम 3 संतानें उत्पन्न करोगे। तदनंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हाशर्व कहलाए। वे सब के सब पुत्र समान धर्म का पालन करने वाले हुए, पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चले। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात, तब वे सभी दक्षारायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक पावन तीर्थ है, जहाँ सिंधु नाद और समुद्र का संगम हुआ। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करने के कारण उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थापित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगी। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। महर्षि नारद, जब तुम्हें पता चला कि हर्षवगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यो बोले, दक्ष पुत्र हर्षवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना के लिए कैसे उदत हो गए? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्षव आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पारक आदेश को नहीं समझता, वह केवल राज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित वाले दक्ष कुमार श्री नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे कहने लगे,
जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता। नारद, तुम भगवान शंकर के मान हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र महर्षि नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। भगवान शिव की माया से मोहित होने से राजा दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी, देव का विधान प्रबल होता है, इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अक्षिनी के गर्भ से शबलाश्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रति आज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर चले गए जहाँ उनके सिद्ध को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक शबलाश ब्रह्मा प्रणव का जाप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उदत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया, अतएव वे भाइयों के पथ पर ही उत्तम गति को प्राप्त हुए। उस समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए, इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना, उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ, वे पुत्र शोक से मूर्छित हो गए, अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है, देववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोक वेश युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने लगे और निंदा करने लगे। राजा दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है, इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो, इसलिए तुम्हारे हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि ऋण देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो, अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट करने वाले हो। मूढ़ मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके, भगवान शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया, यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। अध्याय 13। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। राजा दक्ष और वीरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार राजा दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा देवी सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता।
श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया।